ने शुभदेव माते जन्मभूमि नमस्तुते। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं तथा उसके साथ ही माता आदि शक्ति के चरणों में नमन एवं मातृभूमि के चरणों में भी नमन और यहाँ उपस्थित सभी जनों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृजन का महीना है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी महीने में आरंभ की। यह महीना पुनर्निर्माण का भी है। कहते हैं मनु ने प्रलय काल के बाद इसी महीने में जीवन का पुनरारंभ किया था और सबसे आवश्यक यह शक्ति का महीना है। वह शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व समय के आरंभ से नारी करते आ रही है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, क्योंकि यदि आप देवी विद्या के रूप में नहीं रहेंगी तो ब्रह्मा भी संसार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, क्योंकि आपके इस रूप के अभाव में संचालक नारायण भी संसार का संचालन करने में असमर्थ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और देवी आपके अभाव में तो रक्षक शिव भी शव बन जाते हैं। इसीलिए हे सभी की पूरक देवी नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारी भारतीय संस्कृति संभवतः इकलौती ऐसी संस्कृति का पालन एवं प्रतिनिधित्व करती आ रही है जहाँ परम ब्रह्म को हम दो समान रूपों में पूछते हैं, पुरुष तथा प्रकृति। समान इसलिए क्योंकि न केवल ये दोनों की अपनी अपनी महत्ता है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। किसी एक का अभाव भी संतुलन बिगाड़ विनाशकारी परिणाम लाने में सक्षम है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जहाँ शक्ति रूपी देवी स्त्री रूप में पूजनीय है। यह शक्ति हमारे इर्द गिर्द हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में उपस्थित है जिनकी भूमिका के उपस्थिति ही हमारा आधार है। आज के इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न पूछते हैं कि नारी किसे कहते हैं। संधि विच्छेद कर हमें अर्थ मिलता है ना जोड़ अरि, अरि अर्थात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम नारी कहते हैं। महिला किसे कहेंगे? मही यानी पृथ्वी, जो सृजन की सबसे बड़ी उदाहरण है, सृजन में सबसे अधिक सक्षम है। अब जिनमें मही से मिलते ऐसे गुण हो उन्हें हम महिला ही तो कहेंगे ना। और स्त्री किसे कहते हैं? जो स्तर को ऊपर ले जाए वही स्त्री कहलाए। यह है हमारी संस्कृति की सीख जहाँ स्त्री और शक्ति सदैव ही एक दूसरे के पर्याय रहे हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक रहे हैं, जहाँ आ तथा ई में भेद नहीं बताया गया, जहाँ होता तथा होती एक ही जीवन के दो समान सत्य हैं, जन्म होता है मृत्यु होती है। आज भले ही किसी आवेदन पत्र में पिता या पति का नाम आवश्यक है, परंतु इतिहास में एक वह भी समय था जहाँ हम महानायकों को अंजनी पुत्र हनुमान